गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरियल स्टेनिंग। तो बैक्टीरियल स्टेनिंग हम बात करेंगे बैक्टीरियल स्टेनिंग की। तो स्टेनिंग मैंने क्या बताया था आपको कि बैक्टीरियल जो स्टेनिंग है वो कितनी टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की। एक होती है सिंपल स्टेनिंग, सेकेंड होती है डिफरेंशियल स्टेनिंग और थर्ड होती है स्पेशलाइज स्टेनिंग। तो जो सिंपल स्टेनिंग है उसमें हम हर सेल टाइप के लिए हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। जो ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या करेंगे सिंपल स्टेनिंग को हम यूज कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो डिफरेंशिएट करता है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। टू ग्रुप्स में क्या करता है वो डिवाइड करता है बैक्टीरिया को, उसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। और डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम ग्राम स्टेनिंग भी यूज करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग भी यूज करते हैं। तो आज हम ग्राम स्टेनिंग की ही बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल के लिए भी। तो ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में बैक्टीरियल स्टेनिंग में, और ग्राम स्टेनिंग से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो आपको ये अच्छे से करना है ग्राम स्टेनिंग। और थर्ड कौन सा था? स्पेशलाइज स्टेनिंग। जो हम स्पेशल सेल्स के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्पेशलाइज स्टेनिंग। तो आज हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की, तो इसको अच्छे से करना आप ग्राम स्टेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये प्रैक्टिकल में परफॉर्म भी करना है ग्राम स्टेनिंग, और ये हर जगह आपको यूजफुल है ग्राम स्टेनिंग। आप कहीं भी प्रैक्टिकल में करोगे, चाहे आप मास्टर्स में प्रैक्टिकल करेंगे, चाहे आप आगे फर्दर रिसर्च में भी, आपको ग्राम स्टेनिंग यूज करना होगा। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राम स्टेनिंग किसका टाइप है? इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो जो हमने तीन स्टेनिंग पढ़ी थी उसमें से ग्राम स्टेनिंग क्या है? ये डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। जो ग्राम स्टेनिंग है वो क्या है? इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डिफरेंशियल स्टेनिंग कौन सी है तो आप क्या बोलोगे कि वो ग्राम स्टेनिंग है जो क्या है इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। जो हमने तीन टाइप्स देखे थे स्टेनिंग के, सिंपल, डिफरेंशियल और स्पेशलाइज, तो उनमें से कौन सी ग्राम स्टेनिंग है? ग्राम स्टेनिंग किस टाइप की है? इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग कौन सी हो गई? इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। अब जो या मेथड बोल सकते हो, ग्राम स्टेनिंग इज ए डिफरेंशियल मेथड। क्या है ये? डिफरेंशियल मेथड है फॉर डिफरेंशिएटिंग। इसमें हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं? फॉर डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीसीज इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल। अब जो सेल वॉल की अगर हम बात कर रहे थे तो आप रिकॉल करना कि सेल वॉल की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेंस का। तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या पढ़ रहे थे कि वहां पे क्या होती है? थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वहां पे क्या होती है? थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वहां पे क्या होती है? थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है। तो अगर हम ग्राम स्टेन की बात करते हैं तो ये क्या है? इज ए डिफरेंशियल मेथड है। मींस ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का ही टाइप है। कौन? ग्राम स्टेनिंग। और ये डिफरेंशिएट करता है, इज ए डिफरेंशियल मेथड फॉर डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीसीज। ये बैक्टीरियल स्पीसीज को क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा इनटू टू ग्रुप्स, और वो दो ग्रुप्स कौन से हो गए? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। और बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल। और ये कैसे डिवाइड करेगा, कैसे डिफरेंशिएट करेगा उन दोनों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है? तो वो किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल। उस बैक्टीरिया की सेल वॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में क्या करता है? डिवाइड करता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेनिंग क्या हुआ? इज ए डिफरेंशियल मेथड है और ये डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया को टू ग्रुप में, कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और वो ग्रुप में कैसे डिवाइड करता है, किसके बेसिस पे?
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे क्या करता है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया को। और ये क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। अब ग्राम पॉजिटिव का मैंने क्या बताया था कि वहां पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव है वहां पे क्या होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। अब जो ये ग्राम स्टेनिंग है, ये एक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, उसको हम बोलते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टन ग्राम। इसने अपने नाम के बेसिस पे इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को क्या किया था, डेवलप किया था। इस टेक्निक को क्या किया था, इसने टेक्निक डेवलप की थी, और उस टेक्निक का नाम क्या है, ग्राम स्टेनिंग। तो कंफ्यूजन मत होना, हैंस क्रिस्टन ग्राम ने ही जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है इसको क्या किया था, डेवलप किया था। उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग ही क्या रख दिया, ग्राम स्टेनिंग। तो कौन सा साइंटिस्ट था, हैंस क्रिस्टन ग्राम। इसी ने क्या बताया था कि ये डिफरेंशियल मेथड है, ये डिफरेंशियल टेक्निक है, और ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है टू ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, और किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल के बेसिस पे ये बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है। तो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको तीनों स्टेनिंग बताई है, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, और कौन सी स्टेनिंग थी, और मैंने कौन सी बताई थी आपको, स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल जो स्टेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशियल स्टेनिंग में ही हम क्या ले रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, ग्राम स्टेनिंग को। और ग्राम स्टेनिंग को सबसे पहले डेवलप किसने किया, हैंस क्रिस्टन ग्राम ने। और अब या इसको आप ये भी ले सकते हो कि ये ग्राम स्टेनिंग मेथड यूज होता है टू डिस्टिंग्विश एक ही बात है, एंड क्लासीफाई बैक्टीरियल स्पीसीज इंटू टू लार्ज ग्रुप भी ले सकते हैं इसे, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों क्या है, लार्ज ग्रुप है, दोनों क्या है, लार्ज ग्रुप है। अब जो ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है, ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट करता है, ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बाय दी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल। क्लियर है आपको, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, तो ये कौन सी टेक्निक है, ये डिफरेंशियल मेथड है स्टेनिंग का। अब ये क्या है, इस मेथड को क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग को यूज करते हैं डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को हम कितने ग्रुप में डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करते हैं इस टेक्निक के बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू लार्ज ग्रुप में, दोनों को लार्ज ग्रुप बोल सकते हैं। तो दिस मेथड इज यूज टू डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश एंड क्लासीफाई बैक्टीरियल स्पीसीज इंटू टू लार्ज ग्रुप। तो इस टेक्निक के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं टू ग्रुप्स में, और वो कौन कौन से लार्ज ग्रुप है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसको डेवलप किसने किया, मैंने आपको बताया हैंस क्रिस्टन ग्राम ने इसको क्या किया, डेवलप किया। और जो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है वो किस बेसिस पे करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के बेसिस पे। सेल वॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो सेल वॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी या फिर सेल वॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इन दोनों के बेसिस पे ये क्या करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, और ये क्या करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा किसको, बैक्टीरियल सेल वॉल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बैक्टीरिया को ये क्या करता है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो टेक्निक हम यूज करते हैं, तो इस टेक्निक में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो क्या रखता है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रखता है। जो भाई मैंने क्या बताया था कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स की जो सेल वॉल बनी होती है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो क्या रखते हैं, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो क्या रखते हैं,
थिनर पेप्टिडोग्लाइकन ले रखेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो क्या रखेंगे, थिक पेप्टिडोग्लाइकन ले रखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन ले रखेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या रखेंगे, थिनर पेप्टिडोग्लाइकन ले रखेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं आपको कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो तो क्या रखेगा, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रखेगा, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो क्या रखेगा, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रखेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया को किस बेसिस पे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल, मीन्स सेल वॉल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या करता है, वो डिफरेंशिएट करता है, और वो दोनों क्या है, लार्ज ग्रुप है। और जो मैंने क्या बताया कि सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरिया का, पेप्टिडोग्लाइकन का। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का, और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, इज ए पॉलीमर होता है किसका, सुगर्स का। और वो सुगर्स कौन कौन सी होती है वहां पे, एनएसिटाइल ग्लूकोसामिन और एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, नेम को, नेग और नेम प्रेजेंट रहता है वहां पे। तो जो नेग और, वैसे लिखते हैं हम क्या है, नेम और नेग, नेम और नेग। तो जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की। और पेप्टिडोग्लाइकन्स किसका बना होता है, टू सुगर्स डेरिवेटिव्स होता है पेप्टिडोग्लाइकन, मींस वो टू सुगर्स का बना होता है। और वो सुगर कौन कौन सी होती है, एक होता है नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नेम और नेग। तो नेम किसका बना होगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बोलते हैं इसको हम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मुझे लगता है आप ये तो भूलोगे ही नहीं अब कभी कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है दोनों के बीच। तो पेप्टिडोग्लाइकन किसका बना होता है, सुगर्स का बना होता है, जो किसका बना होता है, नेम और नाग, मींस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और ग्राम नेगेटिव में क्या है, थिनर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो ग्राम स्टेनिंग है, अब इसके प्रोसीजर की बात करेंगे कि हम ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एग्जामिनर वाइवो में इसी से क्वेश्चन पूछेगा, ग्राम स्टेनिंग आप स्टेनिंग टेक्निक कैसे करते हैं। तो आपकी हैंडलिंग, जो प्रैक्टिकल हैंडलिंग है वो स्टेनिंग टेक्निक के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से करना है ये वाला प्रैक्टिकल, ग्राम स्टेनिंग है जो भी स्टेनिंग टेक्निक का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, क्योंकि इसी से यही आपका बेसिस है माइक्रोबायोलॉजी या फिर आप के जो सिलेबस में बोटनी में दे रखा है ये स्टेनिंग टेक्निक, तो ये आपका बहुत बेसिक है। अब इसके अगर ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर की बात करते हैं, ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर की बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट देखनी है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें स्लाइड चाहिए, स्लाइड चाहिए, जो हम स्लाइड यूज करते हैं, स्लाइड आपने देखी होगी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले स्लाइड चाहिए। हम स्टेनिंग कराने के लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, स्लाइड चाहिए। उसके बाद हमें इसमें डाइज चाहिए, डाइज, और ये डाइज मैंने आपको बताई थी। तो डाइज कितने टाइप की होती है, बेसिक डाई भी होती है यहाँ पे और एसिडिक डाई भी होती है, बेसिक डाइज भी होती है और एसिडिक डाइज भी होती है। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो बेसिक डाई कौन सी होती है और एसिडिक डाई कौन सी होती है। तो जो ग्राम स्टेनिंग है इसमें हम, मैंने आपको बताया था कि ग्राम स्टेनिंग में हम जो डाई यूज करते हैं वो कौन सी डाई होती है, बेसिक डाई। तो डाइज में हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट चाहिए, क्या चाहिए, क्रिस्टल वॉलेट चाहिए, हमें सेफ्रेनिन भी चाहिए, क्या चाहिए, हमें सेफ्रेनिन भी चाहिए। तो जो क्रिस्टल वॉलेट और सेफ्रेनिन है, तो ये कौन सी डाई है, बेसिक डाई है, एसिडिक डाई है, ये कौन सी डाई है, बेसिक डाई, ये कौन सी डाई है, बेसिक डाई है। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ग्राम स्टेनिंग जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, स्लाइड्स। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डाइज चाहिए। तो डाइज मैंने क्या बताया था आपको कि डाइज टू टाइप की होती है, बेसिक डाई और एसिडिक डाई। तो एसिडिक डाई में मैंने आपको क्या बताया था कि ईओसिन और फंक्शन क्या होता है, ये एसिडिक डाई होती है, जबकि बेसिक डाई में मैंने आपको बताया था क्रिस्टल वॉलेट, सेफ्रेनिन, मेलेकाइट ग्रीन्स, मिथाइलिन ब्लू, ये सब क्या होती है, बेसिक डाइज। तो यहां जो डाई हम यूज करते हैं वो क्रिस्टल वॉलेट और सेफ्रेनिन यूज करते हैं। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि हम क्रिस्टल वॉलेट सेफ्रेनिन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्रिस्टल वॉलेट और जो सेफ्रेनिन डाई हम यूज करते हैं वो कौन सी डाई होती है, यहाँ पे बेसिक डाई होती है।
और हमें इसमें क्या चाहिए होता है, ग्राम्स आयोडीन। और जो ग्राम्स आयोडीन होता है ये एज ए मॉडरेंट की तरह यूज होता है। और ये मैं आपको प्रोसीजर जब ये ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको हम एज ए मॉडरेंट क्यों यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि ग्राम स्टेनिंग हमें क्या क्या चाहिए। तो स्लाइड चाहिए, डाई चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ग्राम्स आयोडीन चाहिए, जो एज ए क्या होता है, मॉडरेंट के तौर पे हम क्या होता है यहाँ पे यूज होता है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, डीकलराइजिंग एजेंट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल। हमें क्या चाहिए, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल चाहिए, डीकलराइजिंग एजेंट, जो क्या करेगा उस स्टेन को वॉश आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है वहां पे, एल्कोहल। तो हमें इन सब चीज की रिक्वायरमेंट होती है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए। क्या क्या चाहिए, स्लाइड चाहिए, हमें डाई चाहिए, और डाइज में हम क्या क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बेसिक डाई यूज होगी, क्रिस्टल वॉलेट और सेफ्रेनिन। इसके बाद हम यूज करते हैं ग्राम्स आयोडीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज ए मॉडरेट यूज करते हैं। और एक होता है एल्कोहल, जो हमें चाहिए डीकलराइजिंग एजेंट, जो स्टेन को हमें क्या चाहिए, वॉश आउट करने के लिए चाहिए। तो हमें इतनी चीजें चाहिए किसके लिए, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के लिए। और मैं बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इनको यूज करते हैं, प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे एक एक स्टेप हम चलते हैं ग्राम स्टेनिंग में। अब आपसे एग्जामिनर जो है प्रैक्टिकल में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आप जो डाइज यूज कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग, कौन कौन सी डाई है, तो आप क्या बोलोगे कि क्रिस्टल वॉयलेट है, सेफ्रेनिन है, और दोनों कौन सी डाई है, बेसिक डाई है। और आपको पूछ सकते हैं एज ए मॉडरेंट आप क्या यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो आप क्या बोलोगे कि ग्राम्स आयोडीन को हम एज ए मॉडरेंट यूज करते हैं, कहां पे, इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में। आपसे पूछ सकता है कि एल्कोहल आप क्यों यूज करते हैं, तो आप क्यों यूज करते हैं एल्कोहल को, क्योंकि एल्कोहल इज ए डीकलराइजिंग एजेंट। एल्कोहल क्या है, वहां पे डीकलराइजिंग एजेंट है। और एक डाइज तो मैंने आपको बताया कि दोनों यूज करते हैं, लेकिन हम एक काउंटर स्टेन भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो सेफ्रेनिन एज ए काउंटर स्टेन भी क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है। तो आपको पूछ लेगा वो कि काउंटर स्टेन आप एज ए काउंटर स्टेन क्या यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो आप क्या बोलोगे कि हम सेफ्रेनिन को एज ए काउंटर स्टेन क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेफ्रेनिन को हम एज ए काउंटर स्टेन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वो काउंटर स्टेन क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सेफ्रेनिन को हम एज ए काउंटर स्टेन यूज करते हैं। आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आप सेफ्रेनिन को क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे एज ए काउंटर एजेंट हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, काउंटर स्टेन हम क्या कर रहे हैं इसको यूज कर रहे हैं। तो प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये रिक्वायरमेंट्स है जितनी भी हमें ग्राम स्टेनिंग में चाहिए, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। थैंक यू।